हेलो दोस्तों, क्या हाल है? अरे कहाँ देख रहे हो यार, यहाँ पे रास्ते को देखो, कितना बढ़िया रास्ता है। और कैसा रहा आपका दिन? आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नॉर्थ बंगाल की यही एक बहुत ही बढ़िया मेस्मराइजिंग लैंडस्केप की तरफ, जो मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पता है। अभी हम कोदलाबारी की जो मेन सिग्नल है वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके बागरागोट की तरफ जा रहे हैं। और आप देखो, बस रास्ते की तरफ देखो यार, सामने जो ये बढ़िया पहाड़ है और ये जो ब्रेथटेकिंग व्यूज है यार, आपको मज़े आ जाएंगे ये देख के। क्या बढ़िया रास्ता है यार। यहाँ पे हम चलते चलते आ गए, देखो यहाँ पे होटल है, ये लामा होटल यहाँ पे है और आगे और भी बहुत सारे होटल थे। आपको यहाँ पे खाने की कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी, आप बस नज़ारों के मज़े लो। क्यों, कितना बढ़िया नज़ारा है सामने, देखा एकदम खुला आसमान, इतना बढ़िया रोड। और हम पहुंच गए ये ब्रिज के पास। रुको रुको रुको, देखा आपने क्या बढ़िया व्यू है ब्रिज से दिख रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो यार, ये भी एक रेस्टोरेंट ही है, बढ़िया रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बढ़िया खाना मिल जाता है। बट यार खाना छोड़ के आज तो मन है हमारा व्यूज देखने का। अब हम पहुंच गए हमारी मंदिर की ओर और हमें यहाँ से लेना है अंदर की तरफ राइट टर्न। तो बेसिकली जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप कोरोनेशन ब्रिज के तरफ से माल बाजार जा रहे हो तो आपको ये लेफ्ट टर्न गिरने वाली है बागराकोट के बाद। और अगर आप ओदलाबारी से बागराकोट की तरफ जा रहे हो तो आपको बागराकोट से पहले राइट टर्न पड़ने वाली है, तो ये ध्यान में रखो। अंदर का रास्ता यार बहुत ही ख़राब है, आप देख सकते हो, ये तो लिटरली ऑफ रोडिंग ही हो गया भाई। अरे कहाँ से रास्ता भैया? यहाँ से? अच्छा, थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू यार। रास्ता ही भूल गया मैं तो, मतलब मैं तो पहली बार आया, भूलना क्या है इसमें। बट यहाँ पे तो रास्ता ढूंढना पड़ रहा है हमें, कहाँ से है रास्ता। अरे 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 यार, ये पत्थर के बीच में से निकालते हुए हम और रास्ता हमने ढूंढ ही लिया है आखिरकार। बढ़िया चल रहा है यार फिर तो। मेरे को तो नहीं लगता ये रास्ता होने वाला है, शायद हम कोई गलत जगह आ गए। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, दाढ़ी अच्छी है अपनी, दाढ़ी एकदम साथ देती हुई है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई अपनी रोनिन के साथ। बढ़िया ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है यार इसकी, और ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से यार कभी दिक्कत नहीं आती। देखो बाकी ये देखो यार, क्या बढ़िया व्यूज़ है। एक साइड में ये देखो बड़े बड़े पेड़, और दूसरे साइड में देखो माउंटेन्स, और ये जो घास है ना ये भी कितना बढ़िया लग रहा है। देखो आप, कितना सीनिक सा व्यू है एकदम। यार ये जगह बहुत बढ़िया लग रहा है, रुक जाते हैं यहीं पे एक मिनट। यहीं पे हम गाड़ी को साइड में लगा देते हैं और क्लिक कर लेंगे दो तीन फोटोज़। बढ़िया फ़ोटोज़ आ रहे हैं यार, इसलिए फ़ोटोज़ क्लिक करना तो बनता ही है। अपना खुद का खींचो ना खींचो, बाइक का ज़रूर खींचना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। बाकी रास्ते देखो यार, क्या बढ़िया रास्ता है। सामने बढ़िया पहाड़ है, उसके सामने पेड़ है, दोनों साइड में पत्थर है, और क्या ही बोलना। चलो बस चलते जाए, बाकी आप गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी देख लो यार, कितना बढ़िया ऑफ रोडिंग कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से चल रही गाड़ी। साहब बहुत ही बेकार रास्ते आ रहे हैं, थोड़ा सा हाथों में पेन हो जाता है यार हैंडल भी इतना टाइट पकड़ के। बट ठीक है, मतलब गाड़ी आपकी कहीं भी लैग नहीं कर रही है, बढ़िया निकाल रही है। और आप गाड़ी को छोड़ो, जगह के मज़े लो। देखो यार सामने कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है आपको, और ये छोटा सा
क्रॉसिंग है, इसको क्रॉस करके हम निकाल तो लेंगे यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओ माय गॉड, देखो क्या बढ़िया सा नदी है यार, बाइक कितनी प्यारी दिख रही है यार अपनी, बहुत ही बढ़िया। और अब हमने सोचा यार आप इतने दूर तो आ ही गए, चलो कुछ यहाँ पे बना के खाया भी जाए। तो हम निकल पड़े हैं लकड़ी ढूंढने, क्यों खाना बनाने के लिए आग भी तो चाहिए, तो चलो लकड़ियाँ ढूंढते। और तक मैडम ने भी बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठे कर लिए, देखो यार आग लग गई। अब मेरे को बोला था इसने आग लगाने के लिए, पर अपने से तो ना हो पाएगा भाई, ये काम में ये ज्यादा बेटर है, ये आग बेटर लगा दी। और इसी के साथ भाई बन गया अपना मैगी, अब हम करेंगे मैगी को एंजॉय। आप बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो यार। सब्सक्राइब तो कर ले, आपके घर में आके बताओ, तेरे कर ले सब्सक्राइब।